हाँ जी दोस्तों, तो आज पहले तो यार ये वाला प्लांट आप देख लो। ये वाला प्लांट 1 साल पहले का ग्राफ्टेड प्लांट है और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है ना। तो भाई ये देख लो, यहाँ से कलम करी थी और इन्हीं अंकलों ने हमारी कलम करी थी पिछली बार, और इस बार भी ये कर रहे हैं कलम। तो ये देख लो यार ग्रोथ, और यहाँ से ये कलम की है पिछली बार और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। और इसमें बीम में भी आया है जिसमें कि सेब लगते हैं हमारे, तो इसको पहाड़ी भाषा में बीम में बोलते हैं, बाकी तो आगे तो पता नहीं मेरे को ज़्यादा। तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो दोस्तों ज़्यादा पुराना ये पेड़ भी नहीं है, और ग्राफ्टिंग तो यार 1 साल पहले ही ग्राफ्टिंग करी और 1 साल में इतनी अच्छी ग्रोथ है, और कलम सारी की सारी कलम अच्छी लगी है। तो दोस्तों आज हम इस वाले पेड़ की ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। पहले तो इसको काट लेते हैं, इसकी बच्चे जी ब्रांचेज रखते हैं, तो इसको पहले तो पूरा काट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कल में कहाँ कहाँ करनी है इसमें। अभी तो यार हमने इसको पूरा काट लिया अच्छे से, और अभी इसमें हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो दोस्तों ये वाले कल में हम इसमें लगाएंगे, और इनको तो छोटे छोटे भागों में काटना पड़ेगा अभी तो। तो दोस्तों पानी में इनको इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे और ये अच्छे से लग पाए। तो दोस्तों अभी चढ़ रहे हैं इसको, इनको काटने के लिए मतलब छीलने के लिए, जिसमें कलम लगाएंगे। फिर पहले तो ये अच्छी तरह से पूरे को छील लेंगे, उसके बाद इसमें कलम लगाएंगे और उसके बाद इसमें प्लास्टिक लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने पिछले कल भी बताया था आपको कि भाई मोटे जो ब्रांच होते हैं उसमें कैसे कलम करते हैं, तो ये वाला वो स्टाइल है मोटे ब्रांच वाला, जो इसकी स्किन होती है स्किन में थोड़ा सा छेद करके उसमें कलम लगाएंगे। तो आप देख लो एक बार अच्छे से।
चलो कर लेंगे इसका पता थोड़ा। तो दोस्तों अभी हमने कलम में लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये पतली ब्रांच है इसलिए इसको छीला है थोड़ा, जो मोटी ब्रांच है उसमें तो थोड़ा सा स्किन में छेद किया है। तो कलम में कैसे लगाते हैं वो भी आप देख लो। तो दोस्तों इस तरह से मोटी वाले ब्रांच में कलम में लगाते हैं जिसमें थोड़ा सा छेद करना पड़ता है, तो देख लो। पहले तो मैं इनको प्लास्टिक दे देता हूँ और अब हम प्लास्टिक लगाना स्टार्ट कर देंगे। जिन भाई लोगों को पता नहीं है कि प्लास्टिक क्यों लगाते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ, प्लास्टिक इसमें इसलिए लगाते हैं ताकि हवा ना जा पाए और इसको प्रॉपर मॉइस्चर अंदर से मिलता रहे ताकि ये प्रॉपर ग्रोथ दे। तो दोस्तों अभी हमने तो पूरी इसकी ग्राफ्टिंग कर दी है, ये वाला वैरायटी है टिकार। अभी जस्ट हम चल पड़े हैं वापस ची बर्डिंग करके घर। तो वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल पे ना तो चैनल करना सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।